लेकिन जो पड़े हैं वो पड़े रहते हैं, और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुफ्ती साजिदुर रहमान शब्बर मिसबाही साहब के नाम। हमद की नहीं इंतहा, निशान निशान जल्ला जलालहु, तेरा जिक्र दाखले हर बला, निशान जल्ला जलालहु, तेरा जिक्र दाखले हर बला, तेरी शान जल्ला जलालहु। और तू करीम है, तू खबीर है, तू रहीम है, तू कदीर है, तू करीम है, तू खबीर है, तू रहीम है, तू कदीर है, तेरी रहमतों का है आसरा, न तेरे करम की मिसाल है, न नजीर है, न शरीक है, कोई तेरी जैसी अता नहीं, तेरी शान जल्ला जलाला, कोई तेरी जैसी अता नहीं, तेरी शान जल्ला जलाला। और इस शेर में मैं समझता हूँ कि हुजूर शेख आज़म ने तो अपना कलम तोड़ दिया है। अब लिखते हैं कि तू ही रब है सारे जहान का, तेरी शान बंदा नवाज है, तू ही रब है सारे जहान का, तेरी शान बंदा नवाज है, तू ही बख्श दे मेरी हर खता, तेरी शान, तू ही बख्श दे मेरी हर खता। तेरे करम से नहीं पड़े है गुनाह गर्चे बहुत पड़े, पे तेरे करम से नहीं पड़े, तो कबूल मेरी हर एक दुआ, तेरी शान और मशहूर ज़माना शेर जो मैं समझता हूँ कि उस्ताद के नाम में हर तकरीर से पहले पढ़ा करते हैं, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा, का शेर सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा, हुरमते रुहे पैगंबर यक नजर कुन सोए मां, हुरमते रुहे पैगंबर यक नजर कुन सोए मां। अज़ीज़ाने गिरामी, आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत जनाबे ए हबीब आप लोगों से कह दीजिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, ए लोगों जो हमने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें तुम्हारे साथ भलाई की है, गुमराहियत से हमने निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखाया है, इसके बदले में तुमसे रुपये पैसे नहीं मांगता, इसके बदले में तुमसे दौलत नहीं मांगता, इससे इसके बदले में तुमसे जाओ बशमत नहीं मांगता, क्या मांगता हूँ सिर्फ एक चीज मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, जो मेरे महबूब के रिश्तेदार हैं उनसे मोहब्बत कर लो। नबी फरमाते हैं, और नबी को कौन सिखा रहा है, रब सिखा रहा है, कह रब ए मेरे महबूब लोगों से कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि आपने जो लोगों पर एहसान किया है, इस एहसान का बदला सिर्फ एक चीज, वो एक चीज क्या है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, कराबतदार हैं, अहल आयाल हैं, लोग उनसे मोहब्बत कर लें, यही सबसे बड़ा सिला है। अब नबी के कराबतदार को रिवायतों में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन कराबतों का या रसूलल्लाह अल्लदीन वजबत अलैना मवद्दतहु, ए मेरे आका आपके कराबतदार कौन है, रिश्तेदार कौन है जिनसे मोहब्बत की जाए, जिनसे मोहब्बत करना हमारे लिए वाजिब है, जरूरी है, वो कौन कराबतदार है। नबी फरमाते हैं फातिमा व गुलामुहा, मेरे कराबतदार फातिमा है और उनके दो बेटे हसन हुसैन,
सुभान अल्लाह। और जो हसन और हुसैन से जो औलाद पैदा होगी, जिसे हम सैयद कहते हैं, सादात कहते हैं, ये सब के सब नबी के खानदान में, नबी के रिश्तेदार में, नबी के कराबतदार में शामिल हुआ करते हैं। बेशक बेशक। और नबी दुआलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। हदीस पाक के अंदर है, नबी फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत करे, मेरे अहलो आयाल से मोहब्बत करे, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, तो मैं उसका बदला कयामत के दिन जरूर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीन जाने बदला देने वाला कौन है, इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। ऐसा सखी है कि जिस सखी के बारे में फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि तेरा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और इस बारे शायद फरमाते हैं कि वाह क्या जूतो करम है, शहे पता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। जब मेरा महबूब, जब मेरा हबीब अपने औलाद से मोहब्बत करने वालों को नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि मांगने वाले लेने वाले की दामन का दामन तक हो जाएगा, लेकिन नबी का जुदो अदा कभी कम नहीं। सुभान अल्लाह। तो मेरे महबूब अता करेंगे जिन लोगों को जो नबी की आल से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। उसी आल के बारे में नबी ने फरमाया, ऐ लोगो तरक्तु फीकुम तबलाय, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। सिकल का माना हुआ कि ना हुआ, पहली चीज क्या है अल्लाह की किताब, और सानी हुआ वह इतरा तू अहले बैत, इतरा दी अहले बैत। दूसरी क्या है मेरी अहले बैत किताबुल्लाह के दामन को भी थामे रहना, और मेरी अहले बैत के, मेरे अहले बैत के दामन को भी थामे रहना। अगर कुरान की कोई बात समझ में ना आए तो मेरे जो अहले बैत होंगे, मेरे खानदान वाले होंगे, उनके दामन को थाम लेना। कुरान की ना समझ बातें भी तुम्हें समझ में आए। पता नहीं है कि हसनैन के बाप का नाम अली है।
बाबा का नाम फतवा है, हसनैन के नाना का नाम हसनैन की नानी का नाम मौलिया है, हसनैन के नाना का नाम रसूलुल्लाह है, जिसका ये मकाम मर्तबा हो तो जाहिर सी बात है माले गरीबत में भी मैं उसको फौकियत रखूंगा, उसको आगे रखूंगा। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जभी तो सैयदना सरकार आला हजरत अलैहि तमत व रिजवान इशाद फरमाते हैं कि बागे चमनिस्तान है जहरा की ये वह फूल, ये वो फूल तन फूल जबन फूल दगन दहन फूल जबन सकर फूल। ऐसे मौके पर एक बड़ा ही प्यारा शेर कहा है कि जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर कि अपनी औलाद से ज्यादा तरजीह किसे दे रहे हैं? नबी के आलो औलाद को दे रहे हैं। और आगे बढ़े दो पॉइंट और बता दू, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का भी नाम आपने सुना होगा और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का भी नाम आपने सुना होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि ऐसे मोहब्बत रखना करना एक साल की इबादत से बेहतर। नारे तकबीर आखिरत में मिलेगा।
आखिरत में तो यकीन ही है, अभी दुनिया में भी मिल जाएगा। आपको बता दूं, एक बड़े मुहद्दिस है, मशहूर मुहद्दिस अल्लामा इब्न जौज़ी, उनकी एक तसनीफ है किताबुल फिक्र वसीला। उन्होंने बयान किया है कि हरात की एक सरजमीन, हरात जानते होंगे अफगानिस्तान का एक मशहूर शहर है, हरात में सैयदों का एक खानदान, सादात का एक कबीला आबाद, उसी कबीले की खातून है, शौहर का इंतकाल हो जाता है, बेकसो मजबूर हो जाती है। जब देखती है कि कोई मुसाने हाल नहीं है, चल पड़ती है समरकंद की तरफ। समरकंद उस जमाने में तहजीब का शहर कहलाता था, वहाँ की कल्चर बहुत हाई हुआ करती थी, वहाँ की का तमद्दुन बहुत आला हुआ करता था। वो खातून, सैयदा खातून समरकंद का सफर करती है, जाने के बाद लोगों से पूछती है, ए लोगों, इस शहर में कोई सखी है या नहीं है, कोई सखी है या नहीं है। लोगों ने कहा कि इस शहर में तो दो बहुत मशहूर सखी हैं जिनकी सखावत का कोई जवाब नहीं, उनमें एक सखी मुसलमान है और एक मजूसी है, आतिश परस्त है, जो आपकी पूजा क्या करता है। वो खातून उस मुसलमान के पास जाती है, अर्ज करती है, ए अल्लाह के बंदे, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नबी की नवासी हूँ, मैं उसी नबी के खानदान से बिलोंग करती हूँ, मैं उसी नबी का मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, उसी नबी के घराने से मैं भी ताल्लुक रखती हूँ, और मेरा हाल यह है कि मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरा शौहर डेथ कर गया है, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, जरा घर, जरा सर छुपाने के लिए कोई जगह दे दो, कोई जमीन दे दो, ताकि मैं यहाँ आराम और सुकून की जिंदगी गुजारूं। वो नौजवान अर्ज करता है, वो सखी मुसलमान अर्ज करता है, ऐ खातून, अगर तू सैयदा है, अगर तू नबी के घराने से ताल्लुक रखती है, अपना सर्टिफिकेट दिखा दे, अपनी सनद तो दिखा दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि वाकई में तुम नबी के घराने से ताल्लुक रखती है। इतना सुनना था, खातून अर्ज करती है, ऐ कहने वाले, ऐ नौजवान, मैं तो मुसाफिर हूँ, थक हार करके आई हूँ, घर बार छोड़ करके आई हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई सनद नहीं है कि मैं तुझे दिखा सकूँ कि मैं नबी के घराने से ताल्लुक रखती हूँ। चुनांचे वो नौजवान कहता है, फिर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर मैं आपको कुछ भी मदद नहीं कर सकता। वहां से मायूस होकर के वो सैयदा खातून उस मजूसी के पास चली जाती है, उस आतिशपरस्त के पास चली जाती है, वहां जाकर के कहती है, ऐ मजूसी, जरा मैं ये बता दूं कि मैं मुसलमानों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी के खानदान से बिलोंग करती हूँ, नबी के खानदान की शहजादी हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मेरी खबर गिरी कर लो, मेरा सहारा बन जाओ, मेरी मदद कर लो। चुनांचे मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मजूसी अपने घर में जगह दे देता है, उसे पनाह दे देता है, उसे अपने घर में जो है ठहरा देता है। मामला यह है, रात हो जाती है, उसी रात में वो मुसलमान सखी क्या देखता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में एक महल के दरवाजे पर खड़े हैं, जन्नती महल के दरवाजे पर खड़े हैं। नौजवान अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, ये जन्नती महल किसके लिए है? चुनांचे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तारीफ होती है रहमान साहब का नाम होती है रहमान,
इनके वालदे ने ये नहीं सोच करके रखा था कि आगे चल करके अल्लाह का बड़ा फरमा बरदार बंदा होगा। इन मौलाना अफजल साहब, इनके माँ बाप ने अफजल नाम इसलिए नहीं रखा होगा कि सबसे अफजल होंगे। नाम किसी का रखा जाता है तो जरूर नहीं है कि उसके माँ बाप ये समझ ले कि सबसे हाई क्वालिटी का मेरा बेटा आगे चल करके होगा। लेकिन जब हुजूर शेख आजम का नाम रखा जा रहा है, इजहार अशरफ मखदूम है, ये आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां की जिंदा करामत है कि उन्होंने पैदा होते वक्त ही बता दिया था कि मेरा पड़पोता आगे चल करके मखदूम मिशन का खूब इजहार करता हुआ नजर आएगा। अशरफियत का इजहार अगर किसी से सबसे ज्यादा हुआ है तो शेख आजम अली का। शेख आजम अली रहमतुल्लाह रिज़वान के बारे में बताया, आला हज़रत अशरफ़ी मियां ने पहले बता दिया। उसके बाद जब हज्जे बैतुल्लाह से तशरीफ लाते हैं कहाँ घर, तो अपने उसी पड़पोते को गोद में लेते हैं, गोद में लेकर के खिला रहे हैं प्यार कर रहे हैं। आप लोगों से पूछते हैं, लोगों पता है ये कौन? लोगों ने कहा, हुज़ूर ये तो इजहार अशरफ है जिनका नाम आपने खुद रखा, आप हमसे पूछ रहे हैं ये कौन है? फिर आप फरमाते हैं देखो ये कौन है। लोगों ने कहा, हुजूर हम तो देख रहे हैं ये कि आपका पोता है इजहार अशरफ। ऐसे मौके पर जो हुजूर आला हज़रत अशरफ़ी मियां ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, ये नोट किए जाने के काबिल है। आप फरमाते हैं देखो और सुनो, ये इजहार अशरफ है, ये मैं हूं। जहाँ ये होगा वहां मैं हूंगा, जहाँ ये नहीं हुआ मैं नहीं। मतलब यह है कि जो अली हुसैन अशरफी है वो इजहार अशरफ है, जो आला हजरत अली हुसैन अशरफी की जात में तुम देखते हो वो इजहार अशरफ के अंदर देखते हो। पता चला कि जो अली हुसैन अशरफी से मोहब्बत करेगा वो शेख आजम से मोहब्बत करेगा, जो उनसे दुश्मनी करेगा वो सैयद इजहार अशरफ से दुश्मनी करेगा। उसके बाद जब आपकी उम्र छोटी सी, चार साल चार माह से तकरीबन कम ही, हुजूर आला हज़रत अशरफ़ी मियां अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के खलीफा एक खिलौना ला करके आपकी बारगाह में पेश करते। वो खिलौना क्या था? एक जहाज था जो चाबी देने के बाद वो हवा में उड़ जाता था फिर नीचे आ जाता। वो खिलौना पेश किया गया हुजूर शेख आज़म की बारगाह में। आपने चाबी दी, हवा जहाज उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो आपने फरमाया, बचपने के आलम में आपने फरमाया, देखो जापान उड़ रहा है, जापान उड़ रहा है। अल्लाह अकबर, ये वो दौर था जब जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाए जा रहे थे, तबाह बर्बाद किया जा रहा था, उसे जो है हरासा किया जा रहा था। वो दौर था, किसी को पता नहीं था। हुजूर शेख आजम अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान बचपने के अय्याम में फरमा रहे, देखो जापान उड़ रहा है। उसी के कल होकर के रेडियो के जरिए से ये खबर आती है कि जापान के दो शहरों पर बम बरसाया गया है, तबाह बर्बाद किया गया है। जब किशोचा वालों ने ये सुना कि कल ही इजहार अशरफ ने ये जुमला फरमाया था कि जापान उड़ रहा है, लोगों ने कहा कि यकीनन ये पैदाइशी वली है। चार दिन की उम्र होती है, आपकी तालीम का आगाज हो जाता है। जामिया अशरफिया की छोछा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जब 15 साल की उम्र होती है जामिया अशरफिया मुबारक हुआ। और मैं आपको बता दूं, आज भी वहां के रजिस्टर, वहां की फाइलें, वहां के दफ्तर इस बात की शहादत देते हैं कि हुजूर शेख आजम अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जब बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे तो बुखारी शरीफ में आपका 90 नंबर आता था, 90%। और जलालाए शरीफ में भी 90 नंबर। और एक बहुत मशहूर किताब है मुल्ला हसन, मुल्ला हसन जैसी किताब में पास हो जाना बहुत जो है बहुत बड़ी बात है।
लेकिन उस किताब में भी वो शेख आजम 70 नंबर पर आया। तारीख में सब चीज दर्ज, किताबों में सब आया है, आपकी सवारी में सब चीजें बैठी हैं। मुल्ला हसन जैसी किताब में 70 नंबर आ जाना बहुत बड़ी बात है। और यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो मरतबा में, जब भी आप पढ़ते रहे 90 नंबर, 90%, 80%, 70% से आगे ही रहे, कभी पीछे नहीं। और आपकी लियाकत, सहानत, फतानत, इल्म को देख करके मदरसा वालों ने पढ़ाई के जमाने ही से आपको पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर दिया। 2 साल तक आपने अशरफिया में पढ़ाया, उसके बाद जब फारिग हो गए तो 4 साल तक आपने जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ाया। और कैसे, कोई सैलरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। आज कोई होगा फिर साहब का बेटा जो बगैर किसी नजराने के कहीं पहुंच जाए, जो बगैर कुछ लिए हुए कहीं चला जाए, कोई है ऐसा आलिम जिगर गुर्दे वाला जो बगैर नजराने के कहीं प्रोग्राम कर ले, लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर शेख आजम अली रहमतुल्लाह की जात पर। फारिग हो रहे हैं, फारिग होने से पहले 2 साल मदरसा अशरफिया में फ्री में तालीम, फारिग होने के बाद 4 साल तक जामिया नईमिया मुरादाबाद में फ्री में तालीम। क्या मतलब, बताना ये चाह रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम खालिस अल्लाह के लिए हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क का निगरान है, अल्लाह तुम्हारा महाफिज़। उसके बाद खानदान एक साहिबे ईमान के लिए है, वो मुसलमान सखी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपका कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी तो आपका नाम लेवा हूँ, मैं भी तो मोमिन हूँ, मैं भी साहिबे ईमान हूँ, ये जन्नती महल मुझे दे दिया जाए, ये जन्नती महल मुझे दे दिया जाए। नबी फरमाते हैं अगर तुम साहिबे ईमान हो सर्टिफिकेट दिखाओ, मेरे मिल्लत के नौजवानों। उसके बाद मेरे आका इशारत फरमाते हैं ऐ मुसलमान, तुम मेरा कलमा पढ़ते हो, मेरी शहादत देते हो, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मेरी शहजादी आई हुई थी, लेकिन मेरी शहजादी आई हुई थी, तुमसे भीख मांग रही थी, तुमसे सहारा मांग रही थी, तुमसे तड़प 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 करके अपने सहारे के लिए अर्ज मुद्दा पेश कर रही थी, लेकिन तुमने ये कहा था सर्टिफिकेट दिखाओ, सनद दिखाओ, अगर तुम भी इस महल में जाना चाहते हो अपने ईमान की सनद दिखाओ। चुनांचे इतना सुनना था, उस नौजवान की आँख खुल जाती है, परेशान हो जाता है, फिर सर्दी का मौसम है, पाँव फूला है, पाँव में चप्पल नहीं है, बदन में कपड़ा नहीं है, दौड़ लगाता है उस खातून की तलाश के लिए ताकि पता लगाया जाए वो खातून गई तो कहाँ गई। चुनांचे दौड़ता हुआ मौजूसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, अर्ज करता है मेरा मेहमान मुझे वापस कर दिया जाए, मेरा गेस्ट मुझे वापस कर दिया जाए। मौजूसी अर्ज करता है ये तो मेहमान हमारे हैं, तुम्हारे मेहमान नहीं है। चुनांचे वो नौजवान अर्ज करता है हे मौजूसी, मैं 300 दिरहम दूंगा, इसके बदले मेरा मेहमान मुझे वापस कर दिया जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मजूसी अर्ज करता है अब मैं ये मेहमान वापस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं खरीदार हुआ था उस वक्त हमने देखा नहीं था, अब मैं देख करके इसका खरीदार हुआ हूँ। तुमने जो ख्वाब रात में देखा है जो तुम्हें धुतकारा गया है, वाकई में वही ख्वाब हमने भी देखा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नौजवान, क्योंकि तू मजूसी है, आग परस्त है, लेकिन तुमने मेरी शहजादी को अपने घर में पनाह दी है, इसके सदके में मैं तुम्हारी पूरी नस्ल के लिए जन्नत वाजिब कर रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब एक मजूसी आग की परस्तिश करने वाला आले बैत की मोहब्बत में उसकी पूरी नस्ल जन्नती हो सकती है, तो जो नबी का कलमा पढ़ता है, जो नबी का नाम लेवा है, मेरा ईमान बोलता है अगर वो नबी की आग से मोहब्बत करे उसकी एक नस्ल नहीं सातों तबक रोशन होती है। देखा नबी की आल से मोहब्बत करने का इतना बड़ा अंजाम और इतनी बड़ी नेमत मिलती है, इसलिए हमें चाहिए कि नबी की औलाद से मोहब्बत करें, नबी की नस्ल से मोहब्बत करें, नबी के खानदान से मोहब्बत करें।